किसान भाइयों नमस्कार, मैं उन्मेश डहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रास कार्प मछली के बारे में। देखिए, ग्रास कार्प मछली एक ऐसी मछली है जो आपके तालाब में जहाँ पर खरपतवार, जहाँ पर एक्वेटिक वीड की मात्रा बहुत अधिक होती है, उस तालाब में हम लोग ग्रास कार्प मछली का पालन करते हैं। ग्रास कार्प मछली को दोस्तों 1 किलो होने में लगभग 5 से 6 महीने लगती है, और ये IMC मछली और आपके एक्जोटिक कार्प मछलियों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली मछली है। इसी वजह से कोई भी किसान भाई जो मछली पालन स्टार्ट कर रहे हैं, वो ग्रास कार्प मछली को ज़रूर तालाब में डालें। ऐसे तालाब जहाँ पर आपको पानी को सुखाने की सुविधा नहीं हो, जहाँ पर साल भर पानी रहता हो, और जहाँ पर खरपतवार की अधिक मात्रा है, ऐसे तालाब में आप ग्रास कार्प मछली का पालन है वो कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप ग्रास कार्प मछली का पालन करिए तो आपको अपने तालाब का क्षेत्रफल लगभग आधा एकड़ से 1 एकड़ के बीच में, और मैक्सिमम 1 हेक्टेयर का बड़ा तालाब में आप ग्रास कार्प मछली का पालन कर सकते हैं। दूसरा, इस ग्रास कार्प को आप पालन करने के लिए तालाब की तैयारी है, उसमें फाइटोप्लैंकटन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, क्योंकि ये ग्रास कार्प मछली है वो लगभग 50 ग्राम होने तक फाइटोप्लैंकटन को ज़्यादा खाती है। इसके लिए आपको तालाब में चूने का प्रयोग करना है। चूने के बाद दोस्तों आप तालाब में फर्मेंटेशन करिए। फर्मेंटेशन के लिए आप पर एकड़ लगभग 700 किलो गोबर, उसके साथ लगभग 15 से 20 किलो सरसों खली, 10 किलो आपके राइस ब्रैन, 5 किलो DAP, 5 किलो यूरिया, और उसके साथ दोस्तों आप 250 ग्राम ईस्ट का जो पाउडर आता है उसको आप एक गड्ढा बना करके इन सभी चीज़ों को 3 दिनों तक सड़ाइए, 2 दिनों तक सड़ाइए, 48 घंटे तक। फिर इस घोल को आप तालाब में अच्छे से छिड़काई करिए, ताकि 1 हफ्ते के अंतर्गत आपके तालाब में अच्छी मात्रा में प्लैंकटन है वो बन पाए। जैसे ही तालाब का पानी का कलर है वो हरा कलर हो जाता है दोस्तों, तब आपको तालाब में ग्रास कार्प बच्चे छोड़ने हैं। दूसरा सवाल, ग्रास कार्प मछली को क्या सिंगल ही हम लोग पालन कर सकते हैं? नहीं, आपको ग्रास कार्प को सिंगल हैंडेड पालन नहीं करना है। चाहे वो खरपतवार वाला तालाब ही क्यों ना हो, ग्रास कार्प के साथ आप सिल्वर कार्प और अमूर कार्प या फिर कॉमन कार्प का पालन है वो कर सकते हैं। सवाल आता है कि कितना बच्चे हम लोगों को तालाब में छोड़ना है? तो दोस्तों, पर एकड़ आप तीनों, अगर थ्री लेयर मछली का पालन करते हैं तो अपर लेयर मछली को 40%, मिडिल लेयर मछली को 30% और बॉटम लेयर मछली को 30%। इस प्रकार से आप संख्या में तालाब में बच्चे हैं वो छोड़ेंगे। बात करें कितने साइज़ के बच्चे छोड़ें, तो बहुत जगह हम लोग 10 से 15 ग्राम बच्चे, फिंगरलिंग बच्चे भी छोड़ते हैं, लेकिन मेरा यही कहना रहता है कि बड़े बच्चे तालाब में छोड़ने से आपके मोर्टैलिटी रेट कम रहती है, मछली अच्छे से ग्रोथ करती है, कम समय में ग्रोथ करती है, और आपका जो कल्चर पीरियड है दोस्तों वो शॉर्ट हो जाता है, जिससे आप जल्दी अपने मछलियों को तैयार कर पाते हैं। तो इसके लिए आप कोशिश करिए कि 50 ग्राम से ऊपर आप बच्चे हैं वो तालाब में छोड़िए, ताकि ग्रास कार्प 5 से 6 महीने में अच्छे से ग्रोथ कर पाए, 1 किलो साइज तक का हो पाए। दूसरा सवाल आता है कि ग्रास कार्प मछली को फीडिंग क्या कराएं? तो दोस्तों, आपको ग्रास कार्प को, खरपतवार को ही आप बाहर निकालिए और उसको छोटे छोटे पीस में काट करके, जो चॉपर मशीन होता है, जो घास काटने वाली मशीन होता है, उससे काटिए। उसके साथ आप खली मिला करके आप उसको बैग फीडिंग कराइए, जो जालीदार बैग होता है उसमें 1 एकड़ में लगभग 4 से 5 जगह बैग लटका करके आप उस खरपतवार को खली के साथ मिक्स करके आप गोला बनाइए, पानी मिला करके थोड़ा, और उस बैग में डाल करके 4 से 5 जगह उस जो गोला बनाया है आपने फिट का, उसको टांग दीजिए, जिससे सभी तरफ से मछलियों को खाना है मिल पाएगा। आप पत्ता गोभी का प्रयोग खाने के रूप में कर सकते हैं, आप जलकुंभी का प्रयोग कर सकते हैं, आप जो हरे पत्तेदार सब्जियां जो आती हैं उनका प्रयोग है वो कर सकते हैं। हाँ, आप घास फूस तालाब में ना डालिए, तालाब में जो उपस्थित घास फूस है उसी को आप कलेक्ट करके तालाब में डालिए, और जो ग्रास होती है लंबी लंबी उसको भी आप काट करके
और उसके साथ खली या फिर राइस ब्रैन मिक्स करके आप अपने तालाब में उसको गोला बना करके डालिए। बहुत ही कम खर्च में आप ग्रास कार्प मछली को बड़ा कर पाएंगे। साथ ही साथ समय समय पर गोबर का प्रयोग भी तालाब में कर सकते हैं ताकि फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा है वो अच्छे से बनी रहे। दूसरी बात, आपको ग्रास कार्प के पालन के लिए वाटर टेस्टिंग किट ज़रूर खरीदिए ताकि समय समय पर डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया और पीएच, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उसको आप समय समय पर चेक कर पाएँ। क्योंकि क्या होता है, ग्रास कार्प ऑक्सीजन की कमी होने में बहुत जल्दी मरती है, इसी वजह से हम लोगों को अपने तालाब में ऑक्सीजन टेबलेट ज़रूर रखनी चाहिए। और ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 ppm से कम नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आप तालाब में एरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ग्रास कार्प का पालन की विधि बहुत ही आसान है और इसका फीड कॉस्ट भी दूसरे मछलियों के मुकाबले बहुत ही कम आता है। इस वजह से हम ग्रास कार्प मछली को छोटे क्षेत्रफल में और दूसरे मछलियों के साथ हम लोग इसको पालन करते हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के तहत, जिससे आप छोटे क्षेत्रफल में भी अच्छा पैदावार कमा पाते हो। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से जो जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा अगर आपके कुछ सवाल होंगे उसको आप नीचे कमेंट करिए। आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।